सो स्टूडेंट, एज वी नो, आप लोगों का कल बोर्ड एग्जाम है 12th का। वैसे तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने पूरी प्रिपरेशन कर ही ली होगी, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन हम लोगों का चल ही रहा है, जिसमें से मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर 10th तक करा चुकी हूँ, और आई होप आप लोगों ने उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही अपना पूरा तैयार किया होगा। अच्छा, जल्दी दे दीजिए मैम। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अब आप लोगों के लास्ट चैप्टर बचे हुए हैं 11 से लेकर 15 तक। पहले तो मैं आप लोगों को ये भी, हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, कौन है ये मिडिल क्लास मराठी? अरे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमारा कुछ नहीं हुआ है, सबका हो जाता है, डोंट वरी। देखिए भाई, 11th का नहीं है ये, 12th क्लास का है। बच्चे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि 11th का सेशन चल रहा है कि 12th का सेशन चल रहा है। भाई 12th का सेशन चल रहा है कंटिन्यूअसली लास्ट 3 days से, एंड स्टिल यू आर आस्किंग विच क्लास इज गोइंग ऑन, राइट? सो एज वी नो, लास्ट 2 क्लासेस में 1 से लेकर 10 चैप्टर का मैंने करा दिया था। लास्ट आप लोगों के बचे हुए हैं 11 से लेकर 15 तक के, यानी कि 5 चैप्टर्स और बचे हुए हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, 11 से लेकर 15 चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है 12th चैप्टर, ये चीज मैं बता देती हूँ। बाकी बचे आप लोगों के 11th वाला 13, 14 और 15, ये जो 4 चैप्टर्स है ना, दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट, राइट? यहाँ पर ज्यादा, यानी कि ये जो 4 चैप्टर्स हैं ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इनको तो आप सिंपल रीड भी करके चले जाओगे ना, देन नो प्रॉब्लम, अगर आप सिंपल भी इसको रीड करके चले जाते हो तो। लेकिन जो इसमें से 12th चैप्टर है, वो आप लोग क्या है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 12th चैप्टर के तो मैंने खुद के क्वेश्चंस बनाए हैं बुक में से देख के। बाकी के जो 11 से लेकर 11, 13 और 15 चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, वो आप सिंपल एक्सरसाइज में से करके चली जाइए, उसके अलावा बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं बुक में, उसी में टिक करवाऊंगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 11th चैप्टर पे मूव करते हैं, चैप्टर नंबर 11 पर। आप लोग अपनी बुक भी निकाल के कर सकते हैं। अब आप कहोगे, मैम इसका आपने अपनी तरफ से क्वेश्चंस नहीं बनाए। पहली बात तो ये चैप्टर इतना इजी है कि अगर सिंपल आप इसको रीड भी करके चलते हो ना, तो भी आप अपने आंसर्स लिख के आ सकते हो, प्लस रिड्यूस्ड, राइट? काफी सारे जो इसमें टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पर रिड्यूस किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, देखो क्या क्या करना है आप लोगों को। ये 11th चैप्टर की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होना ना, कौन सा चैप्टर चल रहा है ये 11th चैप्टर का एक्सरसाइज है। इसमें से आप लोगों के जितने भी MCQs हैं, जितने भी आपके फिलअप्स हैं, जितनी भी यहाँ पर आपकी मैचिंग अवेलेबल होंगी एक्सरसाइज में, राइट? और प्लस यहाँ पर अगर डिफाइंस होते हैं, डिफाइंस आ जाते हैं, पूछते हैं, या जो डिस्टिंग्यूशेस होते हैं, डिस्टिंग्यूशेस, ये आपको सारे करने हैं। इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं होता है। MCQs हुए, फिलअप्स हुए, मैचिंग हुई, डिफाइंस हुए, डिस्टिंग्यूशेस, सारे करने हैं। अब मूव ऑन करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स पर। देखो वेरी शॉर्ट आंसर्स में फर्स्ट, टू, थर्ड, फोर, फाइव एंड सिक्स सारे कर लीजिए, लेकिन लास्ट के जो ये लास्ट के क्वेश्चन है 7, 8, 9, दे आर फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस। ये जो क्वेश्चन है ये रिड्यूस सिलेबस से है, तो लास्ट के 3 क्वेश्चन कट कर दीजिए, बाकी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ये आप लोग क्या है करके चाहिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस पर। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में देखिए, लास्ट के जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये ऑल्सो आपके क्या है, रिड्यूस सिलेबस में से है। ये क्वेश्चन रिड्यूस सिलेबस में से पूछे गए हैं। लास्ट के 3 क्वेश्चन बिल्कुल कट कर दीजिए, नथिंग इज गोइंग टू बी कम। लेकिन स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, दे आर इम्पोर्टेंट, दे आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर होते हैं ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो रिड्यूस क्वेश्चन है, रिड्यूस पार्ट के क्वेश्चन है, उनको तो कट कर दो, उनसे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं, राइट, जो सिलेबस में इंक्लूड है, उनको सारे करके जाना चाहिए, उनको नहीं छोड़ना चाहिए, स्पेशली इन शॉर्ट्स एंड वेरी शॉर्ट्स में। देखो 8th वाला ये टेबल आपको गिवन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 8th वाला ये जो टेबल आपको गिवन है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये डेफिनेट आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में। ये जो टेबल्स, डिफरेंसेस, डिंचिंग यूजेस,
मार्चिंग, ये जो आती है ना, कम से कम 2 से यहाँ पर डेफिनेट पूछे ही जाते हैं, 2 से 3 मार्क्स में। नेक्स्ट आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट वाला कर लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट वाला कर लीजिए, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट बिफोर इट कैन बी डिस्चार्ज इनटू अ नेचुरल बॉडीज एंड व्हाई दिस ट्रीटमेंट इज असेंशियल। इसके अलावा इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, लास्ट के जो क्वेश्चन है आप लोगों के, वो पूरा कट कर दीजिए, सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। इसके अलावा आप लोगों का इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बेटा मैं वही क्वेश्चंस बता रही हूँ कि डेफिनेटली जिसके आने के चांसेस हैं। अब आप ये कहो कि मैम वो क्वेश्चंस बताइए जो पक्का आएगा ही आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा यहाँ पर कि हम लोग ना एक अंदाजा लगाते हैं, एक आइडिया लेते हैं कि लास्ट इयर्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं तो उसके बेसिस पर इस साल कौन से क्वेश्चन के आंसर के चांसेस है। अभी मैं आपसे ये कह दूं कि बेटा यहाँ पर जो सेकंड वाला क्वेश्चन है और फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, आप सेकंड वाला क्वेश्चन कर जाओ। एक एग्जांपल लो ना कि बेटा आप सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर कर जाओ। व्हेन यू डैम श्योर दैट इट विल नॉट कम, क्या लिख रहे हो ये, अंसारी। बेटा मैं कह तो रही हूँ और मैं क्या समझा रही हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ बैठ के क्या समझा रही हूँ। अब कमेंट लिखोगे तो मेरी बात सुनोगे, नहीं तो समझ में क्या आएगा मैं क्या समझा रही हूँ। मैंने यहाँ पर आप लोगों को 2 क्वेश्चन मार्क करवाए, फर्स्ट वाला, और मैंने सिर्फ 1 क्वेश्चन मार्क करवाया फर्स्ट वाला। अब मैं कहूँ कि बेटा फर्स्ट वाला नहीं, आप सेकंड वाला कर जाओ, राइट अ नोट ऑन लेग कल्चर, आप ये वाला करके चले जाओ। अब पता चला फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, अब क्या कहोगे, मैम आपने तो ये कहा था कि मैम सेकंड वाला आएगा लेकिन आ तो फर्स्ट वाला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हो गया कि मैंने ओवर कॉन्फिडेंस शो कर दिया कि नहीं ये वाला क्वेश्चन करके जाओ इट विल श्योर कम। ऐसा नहीं होता है, हम सिर्फ एक आइडिया देते हैं आपके लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग के 2016, 17 और 18 के उसमें आया हुआ है, चाहे वो 2 मार्क्स में पूछा है, चाहे 3 में पूछा है, चाहे फिर आपके 4 में पूछा है, चाहे 1 नंबर में पूछा है, चाहे लॉन्ग में पूछा हुआ है, कितना भी, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनाए। दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ कि इस क्वेश्चन को करके जाइए, लॉन्ग में तैयार करके जाइए, शॉर्ट में आता है तो भी लिख सकते हो, वेरी शॉर्ट में आता है तो भी लिख सकते हो, 1 मार्क्स का आता है तो भी लिख सकते हो, 2 मार्क्स का आता है तो भी लिख सकते हो। इट जस्ट अ आइडिया, हम कोई एग्जामिनर नहीं है कि यहाँ पर ये करके जाइए, ये क्वेश्चन डेफिनेट आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12th चैप्टर पे, 12th चैप्टर में मूव ऑन करिए जल्दी से। 12th चैप्टर मैंने बताई दिया आप लोगों को पहले से ही कि बहुत इंपॉर्टेंट है 12th चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके कौन कौन से एक मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने बनाए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, 2 से 3 मार्क्स में डेफिनेशन पूछ लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, चाहे 2 नंबर में आए चाहे 3 नंबर में आए, पूछेंगे जरूर, चाहे 2 ही प्रिंसिपल क्यों ना पूछे। टेक्निक्स ऑफ जीन क्लोनिंग इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म ऑफ PCR, मेथड्स फॉर DNA टेक्नोलॉजी, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा ही बनेगा। एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीन थेरेपी इन डिटेल, ठीक है करके जाना, मैं ये नहीं कह रही कि डेफिनेटली आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यहाँ से डेफिनेटली आपको कोई ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जाएगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई भी ऑर्गेनिज्म दे देंगे, या तो डिफाइन करने के लिए दे देंगे कि पूरा डिफाइन करिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को, या फिर सिंपल एक एनिमल दे देंगे जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया होगा, उसके बारे में डिटेल में लिखने के लिए दे देंगे, लेकिन आएगा जरूर। एडवांटेजेस ऑफ GM फूड प्लांट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बायो फोर्टिफिकेशन 2 मार्क्स में डेफिनेशन आती है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कर जाना, मैं ये नहीं कह रही क्योंकि ये सारे क्वेश्चन करके जाना, देखो क्वेश्चन तो सारे करके जाने हैं, मैंने लिखाए हैं तो ऐसे तो लिखे नहीं है मैंने, भाई आएंगे इससे ये क्वेश्चन आने या पूछने के चांसेस है बोर्ड एग्जाम में, तभी मैंने बनाए हैं। लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है ये समझ दो, ये तो डेफिनेटली क्वेश्चंस आप लोगों से कहीं ना कहीं किसी भी टॉपिक से पूछ लिए जाएंगे, चाहे इतनी 1 वर्ड का क्यों ना पूछे लेकिन पूछेंगे जरूर। इसके अलावा 12th क्वेश्चन देखिए, बायो एथिक्स, बायो पायरेसी, बायो पेटेंट, 3 वर्ड है आप लोगों के है इस चैप्टर में, बायो एथिक्स, बायो पायरेसी, बायो पेटेंट, तीनों नहीं आएंगे। मैंने क्या कहा, तीनों नहीं आएंगे,
बट तीनों इम्पोर्टेंट है, इसमें से कोई एक आएगा, या तो बायोथिक्स पूछ लेंगे, या बायोपायरेसी पूछ लेंगे, या बायोपेटेंट पूछ लेंगे। मैम आप तो गुस्से में आ गए। अरे बेटा मैं गुस्से में नहीं आती, डोंट वरी, मुझे गुस्सा नहीं आता। आई एम वेरी कह सकते हैं मतलब मैं गुस्सा नहीं आता, मैं बहुत ही अच्छी बढ़िया है, मुझे रही है जो भी है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो मैंने बताया ना ये तीनों वर्ड है, बायोथिक्स, बायोपायरेसी, बायोपेटेंट, तीनों नहीं आएंगे, कोई एक आएगा, तो तीनों करके जाने पड़ेंगे भाई, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन हेल्थ। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर इफेक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आप लोगों से। अब आ जाइए इसकी एक्सरसाइज पर, बीच में से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए, सारे कर जाना, ये सारे के सारे करके जाना, और जिन पे इंपॉर्टेंट मार्क किया है वो तो कर ही जाना, यहाँ से छोड़ के मत चले जाना, छोड़ के चले गए देन प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों को, फिर आप ये कहोगे ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो बेटर है जो कराया जा रहा है ना उनको तो डेफिनेटली करके जाना। ये समझ लो जो आपको बताया जा रहा है ना ये कम से कम 80% है आप लोगों के एग्जाम का। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज पर आ जाइए, एक्सरसाइज में वेरी शॉर्ट सारे कर लीजिए, एक्सरसाइज में वेरी शॉर्ट सारे कर लीजिए। और एक और चीज जो मुझे हमेशा लिखनी होती है कि भाई इसमें जितने भी आपके एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, जितने भी फिलअप्स अवेलेबल हैं, जितने भी मैचिंग अवेलेबल हो, जितने भी डिफाइंस अवेलेबल हो, जितने भी डिस्टिंग्विश अवेलेबल हो, सारे करने हैं। ये मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है, वैसे तो सिर्फ एक ही बार रिपीट करना चाहिए, लेकिन बच्चे आते रहते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं, तो एमसीक्यूज सारे करने हैं, फिलअप्स सारे करने हैं, मैचिंग सारी करनी है, डिफाइन सारे करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट सारे करने हैं, कुछ नहीं छोड़ना, वेरी शॉर्ट सारे कर लीजिए। जब इसमें से कुछ रिड्यूस्ड है ही नहीं, यानी कि बहुत कम रिड्यूस्ड है, तो सब कुछ करके जाइए, जहां रिड्यूस्ड है वहां मैं बताती चल रही हूँ, वेरी शॉर्ट सारे कर लीजिए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, ये जो चार्ट वाला है, इस पे तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, बायोलॉजी में स्पेशली सबसे ज्यादा टेबल, चार्ट्स, डायग्राम्स रिलेटेड, फिलअप्स, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिफ्थ वाले पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, वेरी शॉर्ट्स में। उसके बाद आते हैं आप लोगों के शॉर्ट आंसर्स। देखो शॉर्ट आंसर्स में जो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला है, अगर आप इसे चाहो तो छोड़ भी सकते हो, मैं खुद बोल रही हूँ, ये आप लोग थर्ड क्वेश्चन में जो फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला है ना, आप इसे लीव भी कर सकते हो। तो ये पता है क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों की एक होता है ना कि माइंड में आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, तो आपने उस चैप्टर में क्या समझा है, तो ये वैसा क्वेश्चन है कि आप अपने हिसाब से लिखो, अपनी थ्योरी बना के लिखो, ये वो क्वेश्चन है, तो अगर आप इसे लीव भी करना चाहते हो तो यू कैन लीव, लेकिन थर्ड वाला लीव मत करके जाना, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द प्रोसेस ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी, इफ टू सेपरेट रिस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स आर यूज्ड टू कट वेक्टर एंड डोनर डीएनए, देन विच प्रॉब्लम विल अराइज इन द फॉर्मेशन ऑफ आर डीएनए और चाइमेरिक डीएनए एक्सप्लेन। ये थर्ड वाला क्वेश्चन गलती से भी मत छोड़ के चले जाना, इससे रिलेटेड कुछ भी पूछ लेंगे, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, या 4 मार्क्स में, ये कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन को मत छोड़ के आना। फोर्थ वाला छोड़ लो, ये जो फोर्थ वाला है ना ये मैंने पूरा कट किया हुआ है, फोर्थ वाला पूरा छोड़ दीजिए, इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, मैच एंड राइट द पेयर बिल्कुल छोड़ दीजिए, मेरे कहने पर गलती से भी नहीं आएगा। अब आ जाइए 12th, 4th लॉन्ग वाले आंसर्स पर, डिफाइन सारे कर लीजिए, मैंने बताया था ना बायोपायरेसी, बायोथर्स, बायोपेटेंट, कोई भी डिफाइन एक आ सकता है। सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी विद सूटेबल डायग्राम्स, यहाँ पर जीन थेरेपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसजेनिक माइस वाला अभी छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, थर्ड और फोर्थ को छोड़ सकते हो, नो इश्यू। फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, गिव द स्टेप्स इन पीसीआर और पॉलीमराइज चेन रिएक्शन विद सूटेबल डायग्राम्स। सिक्स्थ वाला आप छोड़ सकते हो, बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, सेवेंथ वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी, फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला इंपॉर्टेंट है, सेवेंथ वाला इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। बाकी के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, एक जीन थेरेपी, ट्रांसजेनिक माइस, वैक्सीन एंड द आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बायोलॉजिकल टूल्स, कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं। इफ यू वांट टू मतलब आप इसको लीव करना चाहते हो, ऑप्शन में लेके चलना चाहते हो, देन यू कैन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता। राइट, सिक्स वाले से तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता। वैक्सीन टेंथ क्लास का क्वेश्चन है, टेंथ क्लास का इतना थोड़ी ना पूछेंगे। और आता भी है तो वैक्सीन के बारे में नहीं जानते, दैट व्हाट आर वैक्सीन, टेंथ से पढ़ते आ रहे हो कि वैक्सीन क्या होती हैं, ओरल वैक्सीन्स कौन सी हैं, एडिबल वैक्सीन्स कौन सी है, कोरोना की वैक्सीन लगी है, वैक्सीन नहीं जानते, इसको तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हो, ठीक है, अगर आ भी जाए तो। बाकी का ऑप्शन में है। अच्छा, मैंने पेपर सेट किया है क्या? यही समझ लो, मैंने सेट कर दिया। चलो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब आ जाइए बेटा आप लोग 13 चैप्टर पर। यहाँ पे देख लीजिए, नेक्स्ट है 13th चैप्टर का। 13 चैप्टर में देख लीजिए, 13 चैप्टर में सेकेंड क्वेश्चन तो भाई पूरा कर लेना। डिफाइंस, कॉमनलिज, पैरासिटिज, कैमोफ्लिज्म, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, पूरा कर लीजिए। वेरी शॉर्ट तो पूरा करके जाइए, बिल्कुल भी मत छोड़ के जाइएगा। इसके अलावा जो शॉर्ट आंसर्स हैं, शॉर्ट आंसर्स में आप यहाँ पर 5th वाला डिस्टिंग्यूश मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देखो सेकंड में तो सारे करने हैं, बाकी के एमसीक्यूज, फिलअप्स, मैचिंग वो तो करने ही करने हैं, उसके लिए तो मैंने मना नहीं किया है, राइट। बाकी के सेकंड वाला सारे करके जाइए, सारे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। थर्ड वाले में से आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करिए 5th वाला डिस्टिंग्यूश। इसमें से कोई एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसमें मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब पता है एक्चुअली क्या है, ये जो 13, 14, 15 और 11 चैप्टर है, ये ऐसे चैप्टर है आप सिंपल अपनी बुक में भी पढ़ के चले जाते हो ना, सिंपल रीड करके चले जाते हो, अब तो अपने आंसर लिख के आ जाओगे अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आने वाले हो तो। अगर आप बुक की लैंग्वेज में लिख के आने वाले हो तो फिर तो कुछ नहीं है, फिर तो रट्टा मारो। लेकिन अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आने वाले हो ना, तो एक बार आप इन चैप्टर्स को सिंपल रीड भी करके चले जाओगे ना, तो ये वो चैप्टर है जो आप अपने आप आराम से लिख के आ सकते हो। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर जो 12th चैप्टर था वो मैंने बता दिया कि हाँ इसमें से ये क्वेश्चंस बनेंगे और ये है। और बाकी का मैंने बता दिया, शॉर्ट वाले वेरी शॉर्ट सारे कर लेना, शॉर्ट आंसर्स में से 5th वाला वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बाकी का ऐसा नहीं है कि ये छोड़ देने हैं, ये जो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये वाले जो क्वेश्चन है ना बेटा, यहाँ पर ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसे आप अपनी लैंग्वेज में अपनी समझ से लिख सकते हो। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन पूछा है, इफ अ मराइन फिश इज प्लेस्ड इन अ फ्रेश वाटर एक्वेरियम विल इट बी एबल टू सर्वाइव गिव रीजन। अगर हम एक मरीन फिश को फ्रेश वाटर एक्वेरियम में रख देते हैं तो वो सर्वाइव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो इसके लिए आपको अलग से बुक पढ़ने की जरूरत है क्या? आप इसके बारे में जानते नहीं है? मेरे ख्याल से तो मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों के घर में तो एक्वेरियम होगा। आई थॉट भाई कुछ लोगों के घर में तो एक्वेरियम होगा ना, फ्रेश वाटर एक्वेरियम जहाँ पर फिश अवेलेबल होंगी। क्या आप लोगों का आंसर नहीं समझ में आएगा कि वो फिश सर्वाइव कर पाती है नहीं कर पाती है? तो कैसा क्वेश्चन है ये, माइंडली क्वेश्चन है, इसके लिए बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए जो बुक पढ़ने की जरूरत है उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, और जहां पर आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आ सकते हो उसे क्या इम्पोर्टेंट मार्क करना, उसे तो वही अपनी लैंग्वेज में लिख के आइए। डेली की लाइफ में आप क्या अपने आसपास चीजों को यहाँ पर क्या बोलते हैं ना, फोकस करते हो, समझते हो, जानते हो, उस हिसाब से अपने आंसर लिख के आइए। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट, 6th वाला इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, 7th वाला इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में 2 मार्क्स में इतनी डेफिनेशन पूछी जाती है, इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट दैट आई कांट एक्सप्लेन, तो डेफिनेशन तो सारी करके चले आना, छोड़ के मत आना। लॉन्ग आंसर में 2nd वाला इम्पोर्टेंट मार्क कर दीजिए, 1st वाला छोड़ दीजिए, बिल्कुल बेहिचक छोड़ दीजिए। 1st वाला क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दीजिए, मेरे कहने पर गलती से भी नहीं आएगा, बस ये कर लीजिए। एनलिस्ट एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है, सिर्फ 2nd वाला इम्पोर्टेंट मार्क करिए लॉग में, 1st वाला आप छोड़ दीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट 14 चैप्टर पर, 14 चैप्टर पर आ जाइए। 14 चैप्टर में बड़ी कमाल की बात आप लोगों को बताती हूँ, सारे एमसीक्यूज, फिलअप्स, ध्यान से सुनना, मैचिंग, ठीक है, मैचिंग हो गई,
सब छोड़ दीजिए, सब कुछ मत करना। एमसीक्यूज नहीं है जरूरत, एक एमसीक्यू नहीं आएगा 14 चैप्टर से, एक भी फिलअप्स नहीं आएगा एमसीक्यू से, एक भी मैचिंग नहीं आएगी एमसीक्यू से। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ पर उल्टा बताया, यहाँ 14 चैप्टर से एक भी एमसीक्यू, एक भी फिलअप्स, एक भी मैचिंग नहीं पूछी जाएगी। इतना इजी प्लस इतना रिड्यूस्ड हो चुका है इस 14 चैप्टर का सिलेबस, तो बिल्कुल कट कर दीजिए, नो नीड। बाकी के वेरी शॉर्ट सारे कर लीजिए, यहां पर जो शॉर्ट आंसर्स हैं सारे कर लीजिए। लॉन्ग आंसर्स में आप देख सकते हैं, लॉन्ग आंसर में मैं बता देती हूँ, लॉन्ग आंसर्स में देख लीजिए, लॉन्ग आंसर्स में आप लोग यहाँ पर फिफ्थ वाला नहीं कट गया होगा, लॉन्ग में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लॉन्ग पूरा कट कर दीजिए, लॉन्ग में से आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लॉन्ग में कोई क्वेश्चन वो नहीं पूछा जाएगा आपके चैप्टर 14 से, क्योंकि रिड्यूस्ड में है, ध्यान रखिएगा रिड्यूस्ड में है, लॉन्ग में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। वेरी शॉर्ट सारे कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए, बाकी की कोई भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, ना एमसीक्यूज, ना फिलअप्स, ना मैचिंग, और लॉन्ग भी पूरे कट कर दीजिए, सिर्फ वेरी शॉर्ट कर लीजिएगा और शॉर्ट आंसर्स कर लीजिएगा बस, इसके अलावा 14 चैप्टर में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए, अब आ जाइए लास्ट चैप्टर 15 चैप्टर पर, लास्ट चैप्टर है 15 चैप्टर। भाई इसमें तो आप लोगों की एमसीक्यूज, जितने भी फिलअप्स हैं, जितनी भी मैचिंग है, सारे करके जाइएगा, ये तो सारे कर लेना। वेरी शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में आप, वेरी शॉर्ट में फर्स्ट वाला कट कर दीजिए, बिल्कुल नहीं आएगा। सेकंड वाला मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, सेकंड वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, नेम एनी टू मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। थर्ड पूरा कट कर दीजिए, फोर्थ भी पूरा कट कर दीजिए, फिफ्थ इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईडब्ल्यू कैटेगरी ऑफ अ लिविंग बींग। देखो दोबारा देख लो, फर्स्ट पूरा कट कर दीजिए, सिर्फ सेकंड मार्क करिए, बाकी का थर्ड और फोर्थ पूरा कट कर दीजिए, सिर्फ फिफ्थ करिएगा। थर्ड में बात करी जाए शॉर्ट आंसर्स में, इसमें आप लोग फर्स्ट वाला कट कर दीजिए, लास्ट के 3 क्वेश्चन पूरे कट कर दो, सिर्फ सेकंड वाला और थर्ड वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सिर्फ सेकंड वाला और थर्ड वाला इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और यही बार हम बात करें लॉन्ग आंसर्स में, लॉन्ग आंसर सारे काट दीजिए, लॉन्ग सारे काट दीजिए। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि 11 से लेकर 15 चैप्टर तक सिर्फ 12th चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी का जो आपका 11, 13, 14 और 15 चैप्टर है, ये एक तो रिड्यूस सिलेबस ज्यादा है इसमें, दूसरा नंबर इतने इजी चैप्टर्स हैं कि आप सिंपल अपना बुक भी पढ़ के जाते हो तो आप अपना डायरेक्ट आंसर लिख के आ सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कट करवाए हैं, पहली बात तो ये फालतू के क्वेश्चन थे, बोर्ड कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बोर्ड कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बोर्ड हमेशा लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, और लॉजिकल क्वेश्चन उसमें से कौन कौन से हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब हम लोग यहाँ मूव ऑन करते हैं आप लोगों के डायग्राम्स पर, तो सबसे पहले तो आप लोग अपनी बुक, पेन, पेंसिल जो भी है निकाल लीजिए और मार्क करते चले जाइए। देखो 11th चैप्टर का ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर, ट्यूबुलर टावर फर्मेंटर ये वाला डायग्राम मार्क कर लीजिए, एक टेबल है आप लोगों की एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स वाली, इसको मार्क कर लीजिए, वो भी इम्पोर्टेंट में, ये जो टेबल अवेलेबल है यहाँ पर एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रोब्स की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आने के चांसेस है एग्जाम में। आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये आएगी आएगी, आई सेड कि आने के चांसेस है। नेक्स्ट है बायोगैस प्लांट, ये तो इजी है, ये तो आप लोगों के 10th में भी अवेलेबल था, जब 10th में आ गया तो 12th में क्या दिक्कत है, राइट।
ये वाला 11.14 अगेन यहाँ पर आप लोगों की टेबल अवेलेबल है, इम्पोर्टेंट मार्क करिए इसको भी, क्या है इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, माइक्रोब्स एंड देयर होस्ट वाली। एक है आप लोगों की सोर्सेज एंड रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस ऑफ वेरियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो उतना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है और आएगी तो कम से कम 3 मार्क्स की तो मैक्सिमम पूछी ही जाएगी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी की है और मैंने पहले बता दिया बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर है आप लोगों का मोड ऑफ एक्शन ऑफ ई कोरी टू क्लीव डीएनए एंड द प्लाज्मिड क्लोनिक वेक्टर शोइंग अ रेप्लिकेशन ओरिजिनेशन, दोनों इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी के यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी एग्जाम्पल, जितने भी आप लोगों के डायग्राम्स हैं उनको तो भाई इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, उनको तो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, और छोड़ के चले गए 10 दिक्कत आपको होगी। और नहीं, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अगेन इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में भी बताया था, यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्वेश्चन में भी बताया था कि जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है हमेशा आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाएंगी, चाहे फिर वो आप लोगों की टेबल फॉर्म में पूछी जाए, चाहे चार्ट की फॉर्म में पूछी जाए, चाहे आप लोगों की रिटन में पूछी जाए, चाहे पॉइंट्स में पूछी जाए, कैसी भी पूछी जाए और कितने भी मार्क्स में पूछी जा सकती है, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, लॉन्ग में, कितनी भी आ सकती है, तो इनको तो करके जाइएगा। एप्लीकेशंस बिल्कुल मत छोड़ना, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, सारी की सारी करके जाना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला। एक है आप लोगों का यहाँ पर वेक्टर वाला है, राइट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी के तो जितने भी मैं आप लोगों को डायग्राम से क्वेश्चन बता रही हूँ, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के जाना भाई, ये मेरा है कहना है। नेक्स्ट आ जाइए 13th चैप्टर पर। 13th चैप्टर पर एक तो ये है मेजर बायोमास वाला है, एक आप लोगों का ग्रोथ रेट वाला है, और ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये जो टेबल डिफरेंस वाली दिखाई दे रही है आप लोगों को, हैबिटेट और नाइके वाली, ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। हैबिटेट और नाइके में डेफिनेट सी बात है डिफरेंस पूछ ही लेंगे, चाहे 2 मार्क्स में पूछे या 3 मार्क्स में, आएगा क्वेश्चन जरूर इसमें से। ग्रोथ कर्व और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व इजी है, ये इतना नहीं आएगा, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, ये वाला तो कट कर दो, 13.4 वाला जो डायग्राम है इसको बिल्कुल कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 13 पॉइंट है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें आपको फेसेस बताए गए हैं, लैग फेस, एक्सपोनेंशियल फेस, स्टेशनरी फेस और डायमिनिशिंग फेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिए, 2 मार्क्स में बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए 15, हाँ अब आप कहोगे मैम 14 चैप्टर, एक चीज मैं बता देती हूँ बेटा, 14 चैप्टर में से एक भी डायग्राम नहीं आएगा आप लोगों का, बताती हूँ एक सेकेंड, चैप्टर 14 में से एक भी डायग्राम यहाँ पर नहीं आएगा। 14 चैप्टर में बिल्कुल आप जितने भी डायग्राम है सारे छोड़ सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर 15 चैप्टर की, तो 15 चैप्टर में आप लोगों के ग्राफ है, इसमें से कोई एक ग्राफ जरूर आएगा। एक तो ये है ग्राफ शोइंग स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, और एक है आप लोगों का यहाँ पर स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, इसमें से कोई एक जरूर आएगा एग्जाम में। अब कौन सा इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, एग्जामिनर कौन सा पूछ ले वो हमें नहीं पता, तो हमें तो सारे ये करने चलने हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन का पूरा चार्ट बनाने के लिए, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन का पूरा यहाँ पर चार्ट बनाने के लिए आपको दिया जाएगा। ये थे आपके चैप्टर 15 के डायग्राम जो सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे। देखो ऑर्गेनिज्म वाले में, एनिमल्स वाले में, प्लांट्स वाले में कोई एक पूछा जाएगा, तो उसके लिए तो हमें तीनों करने पड़ेंगे, हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ पूछ सकते हैं, और जो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है ये तो आप बना सकते हो, इसमें थोड़ी ना कुछ याद करने वाली चीज है, इसमें थोड़ी ना कुछ याद करके जाने वाली चीज है, उसको तो आप अपने आप से बना सकते हो। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों के रहते हैं वो आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक रहते हैं, और 12 रहता है, 11, 13, 14, 15 इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, उसको तो आप सिंपल पढ़ के भी चले जाओ तो भी काम हो जाएगा। अब आप लोगों के जो डाउट है या जो चीज है वो आप मुझे बता दीजिए। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, तो वो भी देख लीजिए जरा।
देखिए पहली बात तो ये है कि जब आप लोगों का देखो कल पहली बात तो ये है कि आप लोगों का कल एग्जाम है तो उसके लिए तो बेस्ट ऑफ लक। पहली बात तो सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना, इतना मेहनत करी है आपने हमने, तो आई होप सब लोगों का अच्छा एग्जाम जाएगा। अब कुछ चीजें हैं जो कुछ टिप्स देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम में काम आएंगी। काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम हम लोग जो आंसर्स लिखे हैं वो सीक्वेंस में लिखे हैं या किस तरीके से लिखे हैं, तो बेटा मैं तो यही कहूंगी सीक्वेंस में लिख के आओ। मैंने ये चीज आप लोगों को कल भी बताई थी कि देखो यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, 1 2 3 4 आपके क्वेश्चन में यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं क्वेश्चन पेपर में। आप लोगों को यहाँ पर किसी को भी थर्ड क्वेश्चन नहीं आया, आपने बोला कि यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने क्या किया, थर्ड की जगह पहले फोर्थ लिख दिया। अब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, फर्स्ट वाला आंसर चेक किया ठीक है, सेकंड का किया, थर्ड का किया, उसकी उसको थर्ड क्वेश्चन के आंसर की जगह कौन सा आंसर मिला, फोर्थ वाला मिला ना, गड़बड़ हो जाएगी, वो कट कर देगा क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है यहाँ पर कि वो इतना जल्दी सारी चीजों को चेक करके लिखे। तो बेटर है आप चीजों को सीक्वेंस वाइज करो, आप चीजों को सीक्वेंस वाइज करो, फर्स्ट का आंसर है लिख दीजिए, सेकंड का है लिख दीजिए। अगर आपको थर्ड का आंसर नहीं आ रहा है आप एक गैप कर दो, आप क्या कर दो, आपको पता है कि ये इतना मतलब 4 लाइन 5 लाइन में आएगा तो मैं 4 5 लाइन छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ, तो आप उसमें क्या कर दो, एक गैप कर दो और फिर फोर्थ का आंसर लिख दो। इससे आपका सीक्वेंस बना रहेगा और जब एग्जामिनर चेक करेगा फर्स्ट का आंसर सेकंड का आंसर थर्ड का आंसर बच्चे को आया नहीं है, उसने गैप छोड़ दिया है, फिर फोर्थ में पहुंच जाएगा। इससे क्या है एग्जामिनर को कोई डाउट नहीं रहेगा, एग्जामिनर को कोई डाउट नहीं रहेगा और वो अच्छे तरीके से आपके आंसर्स को चेक करता चला जाएगा। तो पहली बात तो मैं यही कहूंगी बेटा सीक्वेंस वाइज करिए, क्या करना है यहाँ पर सीक्वेंस वाइज करिए, समझ में आ गया। दूसरी चीज है देखिए जब कभी भी आप यहाँ पर अपने कोई भी आंसर लिखते हो, कोई भी आप आंसर लिखते हो यहाँ पर बायोलॉजी में, तो हमेशा ध्यान रखिएगा आपको हमेशा पॉइंट्स में लिखिएगा, भले ही एग्जामिनर में लिखा एग्जाम क्वेश्चन में ये लिखा है राइट अ समरी और राइट अ डिटेल नोट ऑन दिस क्वेश्चन, बट डोंट, ऐसा कभी मत करना, ऐसा कभी मत करना, एग्जामिनर आपके टैलेंट और प्रेजेंटेशन का टेस्ट ले रहा है, एग्जामिनर कभी आपका जो आप पढ़ के आए हो ना उसका टेस्ट नहीं लेता है, एग्जामिनर किसका टेस्ट लेता है आपके माइंड का, कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कितना अपने माइंड से दे रहे हो, प्रेजेंटेशन कैसा दे रहे हो। मैंने एग्जामिनर ने पूछा है राइट अ डिटेल नोट ऑन दिस क्वेश्चन एंड यू आर राइटिंग इन अ समरी और अ पैराग्राफ, आप क्या कर रहे हो उस आंसर को समरी पैराग्राफ की तरह क्या कर रहे हो यहाँ पर लिख रहे हो, दैट्स रॉन्ग। आप हमेशा पॉइंट्स में लिखिए, जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हो राइट अ डिटेल नोट, राइट अ समरी, राइट अ पैराग्राफ, डोंट राइट इन समरी पैराग्राफ और इन डिटेल नोट, राइट इन पॉइंट्स, एग्जामिनर जस्ट चेकिंग योर प्रेजेंटेशन, ठीक है पॉइंट्स में लिखिए। दूसरा आ जाता है कि अगर आप कह रहे हो कि मैम मैं पॉइंट्स में नहीं लिख पा रहा, आप चार्ट में लिख दो भाई, ठीक है जैसे कि अभी यहां पर था कौन सा क्वेश्चन था, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सपोज करो आपके एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन आ गया राइट द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट विल यू डू, आप ना लिख के आ जाओगे बायोटेक्नोलॉजी, पता है कैसे लिखोगे जो हमेशा आपका रहता है, आप डालोगे दैट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वन ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, राइट 3 मार्क्स का क्वेश्चन। एक बात बताओ अगर आप ऐसे लिखने की जगह ये चार्ट बना के आ जाओगे तो एग्जामिनर क्या कम मार्क्स देगा, क्या 3 की जगह 1 ही मार्क्स देगा, एग्जामिनर ने ये कहा है कि ऐसे मत बना के आना भाई, आपके पास जब चार्ट अवेलेबल है आप उसको अच्छे प्रेजेंट कर सकते हो तो क्यों अपने आंसर को चार्ट में नहीं कर सकते। ठीक है समझ में आ गया। इसके अलावा दूसरा आता है टेबल फॉर्म, चार्ट फॉर्म होती है, एक टेबल फॉर्म होती है, एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होता है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है तो आपके आंसर्स लिखने के ना ये बायोलॉजी में 4 तरीके होते हैं, कभी भी आप अपनी बायोलॉजी में समरी
पैराग्राफ ये डिटेल कॉन्सेप्ट में मत लिख के आना। मैं अगेन एंड अगेन इस चीज को रिपीट कर रही हूँ कि कभी भी आप अपने आंसर्स को बायोलॉजी स्पेशली समरी पैराग्राफ डिटेल में मत लिख के आना। आपके चार तरीके होने चाहिए आंसर लिखने के। पॉइंट्स में लिख के आओ, चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, या डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करो कि डायग्राम से है, फिर उसके बारे में कुछ पॉइंट्स अपने थोड़ा सा लिख सकते हो। बायोलॉजी में आंसर लिखने के चार तरीके होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा मेरा ये एक इंस्ट्रक्शन है आप लोगों को कि हमेशा इस तरीके से करके आना। पहला इंस्ट्रक्शन है, आप आंसर्स को हमेशा सीक्वेंस में करके आइए। आंसर्स को हमेशा सीक्वेंस में लिख के आइए। कोई आंसर नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन गैप कर दो उतनी जगह में, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा मत करो, क्योंकि एग्जामिनर के पास लाखों कॉपियां होती है चेक करने के लिए, और उस टाइमिंग पे उसका दिमाग बड़ा घुमा सा रहता है, तो पता नहीं क्या पता गलत कर दे या क्या कर दे। तो बेटर है कि इस तरीके से आप करके आओ। गॉट इट? इतना समझ में आ गया। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों के क्या क्या डाउट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं कल के एग्जाम के लिए, क्या आप कौन सी अपनी चीजों को पूछना चाहते हैं। थोड़ा रट्टा मारा तो चलेगा क्या? हाँ थोड़ा बोल रहे हो तो थोड़ा तो चल जाएगा। क्या नाम है आपका? शेख। थोड़ा रट्टा मारा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा रट्टा मारना क्यों है। बायोलॉजी में तो कभी रट्टा नहीं मारा जाता, बट आप कह रहे हो तो थोड़ा सा मार लेना। चलो जो नहीं याद हो रहा तो थोड़ा सा मार लेना, ज्यादा मत कर लेना, थोड़ा सा मार लेना, बस एक लाइन दो लाइन। अब ऐसा मत कर देना पूरा ही रट्टा मार के चले गए, ऐसा कभी फिर नहीं होता है। रट्टा नहीं मारना चाहिए भाई कभी। चीजों को जितना ज्यादा समझ के करोगे ना उतना ज्यादा चीज याद होती है, और इतने टाइम से तो आप लोग इतने टाइम से इतनी मेहनत कर रहे हो। मैं मानती हूँ कि पता नहीं आप कितनी बार अपनी बुक को रिवाइज कर चुके होगे, कम से कम 3 4, मैं मोस्टली मानती हूँ 4 बार तो रिवाइज कर लिया होगा। एक बार आपने डिटेल में पढ़ा होगा, फिर एक बार आपने दोबारा से पढ़ा होगा, फिर तीसरी बार आपने रिवीजन के लिए पढ़ा होगा, चौथी बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए पढ़ा होगा, 4 बार तो यहाँ पर आप लोगों का ऑलरेडी रिवीजन हो गया होगा। और बुक को हम जितनी बार कंटिन्यूअसली रीड करते रहते हैं तो वो तो अपने आप ही याद हो जाती है, अपने आप ही समझ में आ जाता है। आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताओ, आपको मूवी क्यों याद हो जाती है, या फिर कुछ और चीज क्यों याद हो जाती है, स्टोरीज क्यों याद हो जाती है? क्यों? क्योंकि आप उसको अगेन एंड अगेन पढ़ते हो। पर तो क्या आपको प्रेयर याद हो जाती है कि बेस्ट एग्जांपल ले लो, आपको प्रेयर याद हो जाती है, प्रेयर याद हो जाती है ना स्कूल में। क्यों? क्योंकि आप उसको डेली गाते हो अपने स्कूल में। नेशनल एंथम सबको याद होगा, क्यों? क्योंकि आप उसको डेली रिवाइज करते हो, मतलब पढ़ते हो। तो ऐसी है बुक भी, वही चीज है। बुक को भी अगर आप 4 बार भी आपने पढ़ लिया ना समझ के, ऐसी पढ़ते चले आ रहे हो उसका मतलब कुछ समझ, दिमाग में कुछ नहीं घुस रहा है, समझ समझ के यहाँ पर आपने 4 बार भी बुक को पढ़ लिया, तो इसमें रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। जैसे नेशनल एंथम याद है ऐसी बुक भी याद हो जाएगी, फिर क्या है, टेंशन वाली क्या बात है यहाँ पर। एग्जामिनर के पास चिट्स होती हैं, आपने ही क्या, एग्जामिनर के पास क्या होती है, चिट्स होती है। मैंने कब बोला एग्जामिनर के पास चिट होती है, और एग्जामिनर के पास चिट होने का क्या रीजन है भाई, कुछ भी। हाँ एग्जामिनर के पास चिट होने का क्या है, मैंने कहा कि एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है जिसमें वो आप लोगों का सीरीज वाइज आप लोगों के आंसर चेक करता है। क्या कुछ भी चल रहा है। सिंधु बेटा, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ काफी अच्छे से, मैंने 2 बार एक्सप्लेन किया है। आप इसका प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। वहां से आप चेक कर सकते हैं बेटा।
जस्ट इन शॉर्ट अबाउट दैट, सिंधु आप यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल पूरा बोल रहे हो या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो हार्मोन्स वर्क करते हैं उनके बारे में पूछ रहे हो? आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट सिंधु, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। यू आर आस्किंग अबाउट द होल मेंस्ट्रुएशन साइकिल और द हार्मोन्स विच वर्क इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, एंड देशमुख आप क्या पूछना चाह रहे हो? सॉरी बेटा, मुझे मराठी नहीं आती, एंड सॉरी फॉर दैट। काफी स्टूडेंट मुझे काफी बार बोल चुके हैं दैट मैम प्लीज स्पीक इन मराठी, सॉरी बट आई कांट स्पीक मराठी बिकॉज मैं महाराष्ट्र से बिलोंग नहीं करती, आई बिलोंग्स टू यूपी। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बच्चों के काफी सारे डाउट्स हैं, तो पहली बात तो ये बेटा, आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को रिवीजन क्लास में करा चुकी हूँ। देखो सिंधु, अगर हार्मोन्स की बात कर रही हो तो देखो दो हार्मोन्स होते हैं सिंपल, एक होता है यहाँ पर एस्ट्रोजन वाला, एक होता है एस्ट्रोजन वाला, और एक हार्मोन्स होता है यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन वाला। दो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन जो कि बॉडी के फीमेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फीमेल कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है, लाइक बॉडी शेप, ब्रेस्ट एंड बॉडी हेयर्स, प्लस साउंड को भी इफेक्ट करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करें यहाँ पर, तो वो होता है यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन की बात करें तो वो यहाँ पर हेल्पफुल होता है प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। जब यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के रिलीज की ही वजह से यहाँ पर क्या नाम है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल परफॉर्म होती है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा, कम होगा या कुछ भी है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी इफेक्ट होगी। बेटा मैं यूपी में आगरा से बिलोंग करती हूँ, यूपी में आगरा से, ताज सिटी पता है ना, ताजमहल है जहाँ पर, ताज सिटी वहीं से। देशमुख बेटा मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कल प्रेजेंट नहीं थे देशमुख, आई थिंक कल आप प्रेजेंट नहीं थे। तो मैं ऑलरेडी चैप्टर 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता चुकी हूँ और एक्सरसाइज में भी कौन से इम्पोर्टेंट है वो भी बता चुकी हूँ। आप लास्ट क्लास देखिए मेरी, आपको मिल जाएगा ठीक है। बाकी का देखिए, काफी स्टूडेंट के अपने अपने अलग 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 चीजें आ रहे हैं, तो देखिए मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर कराया हुआ है। चैप्टर के साथ आप लोगों के रिवीजन वीडियोस भी वन शॉट में अवेलेबल हैं वहां पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन आप लोगों का हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का कुछ और चीज बची हुई है, सारी चीज आप लोगों को कराई जा चुकी है। एंड अब आपके ऊपर है कि आपने कितना गेन किया और गेन करने के बाद आप कितना एग्जाम में करके आते हो। और कुछ चीजें हैं जो एडवाइस मैंने आपको बताई वो याद रखिएगा आपने, कि भाई सीक्वेंस में आंसर लिख के आइएगा। इसके साथ साथ आप हमेशा अपने जो आंसर लिखोगे हमेशा चार फॉर्म में लिखिएगा, भाई आपका एक तो चार्ट फॉर्म, टेबल फॉर्म, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन या फिर आप लोगों का पॉइंट्स में। इसके अलावा समरी, डिटेल या पैराग्राफ में आंसर मत लिख के आइएगा, दैट विल इफेक्ट योर मार्क्स, ये आपके मार्क्स पर बहुत इफेक्ट करता है। और शायद या ये वाली बेटा क्या बात है, आप ये बार बार आप मैसेज ये कर रहे हो, ठीक है। आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई डाउट होना चाहिए बेटा, सारा रिवीजन में मैंने कराया हुआ है, बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है बेटा। ये हार्ट वाला तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मार्क भी करवाया था मैंने। हार्ट वाला जो डायग्राम है मैकेनिज्म के साथ, उसकी सारा रिप्रेजेंटेशन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट वाला डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन, ये समझ लीजिए हार्ट वाला चैप्टर ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हार्ट वाला जो आप लोगों का टॉपिक है उसी को बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये समझ लीजिए वहां से आपका 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, लॉन्ग मार्क्स तक, लॉन्ग क्वेश्चन तक का आपका डेफिनेट बात है कि आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट वाला तो गलती से भी मत छोड़ के जाना, क्योंकि जो चैप्टर 8 है वही बहुत इंपॉर्टेंट है और एक चैप्टर 12th वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये चैप्टर बड़े ही इम्पोर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं आई होप आप उनको उनके तरीके से करके जाओगे, तो 80% आपका सिलेबस कवर है उसमें। 20% वो होता है ना कि आप अपना किस माइंड सेट से जा रहे हो, प्लस कितना आप अपने माइंड से आंसर को लिख के आ रहे हो, 20% उसमें काउंट हो जाता है। लेकिन अगर 80% हमारा चीज करके जाओगे हमारे तरीके से, देन 80% आपका है पूरा, दैट्स आई एम श्योर। नेम द फॉलोइंग और मैच द फॉलोइंग विच वन इज देयर। सिंधु, नेम द फॉलोइंग और मैचिंग तो सारे करके जाइए, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। आप लोगों की बुक में जितनी भी एक्सरसाइज हैं, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे फिलअप्स की हो, चाहे आपकी मैचिंग की हो, डिफरेंसेस हो, डिस्टिंग्विशेस जिसे आप लोग बोलते हैं, चाहे डिफाइंस हो, वो तो सारे करने हैं, उसमें से तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। रिड्यूस्ड वाला भले ही छोड़ दो लेकिन बाकी का मत छोड़ो, वो तो आपको सारे ही करके जाने हैं। एक्सरसाइज में क्या है, एक एक मार्क्स की होती है, एक एक बार पढ़नी होती है, उसमें कौन सा कुछ याद करना है सिंपल पता ही होता है, तो वो तो सारे करके ले जाइए बेटा। हार्ट डायग्राम को कितने टाइम देना पड़ता है जैसे अच्छे मार्क्स मिले? शेख बेटा, हार्ट का जो डायग्राम आता है ना उसमें आपको पूरी नेमिंग करनी पड़ती है, हार्ट का डायग्राम यहाँ पर पूरी नेमिंग के साथ करना पड़ता है, और एटलीस्ट आप लोगों का 3 मार्क्स का तो आता ही आता है, और 3 मार्क्स में आप समझ रहे हो कम से कम यहाँ पर आप लोगों का अच्छा खासा नेमिंग करने के लिए आएगा पूरा का पूरा। तो ये मत सोचिए कि कौन से नाम देने पड़ते हैं या कौन से नहीं देने पड़ते हैं, सारे करके जाइएगा, 3 मार्क्स का बहुत बड़ी बात होती है मैक्सिमम। नहीं बेटा पेपर हार्ड नहीं आएगा, पेपर हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि यू नो कोविड की वजह से इतना सारा चीज़ें चली हैं, ये सब तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ है, अच्छे से स्कूल नहीं खुल पाए हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई है जो ऑफलाइन क्लास में होती है, सब ऑनलाइन चला है, ऑनलाइन में तो क्या हाल रहता है सब जानते हैं भाई, हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं, सब जानते हैं। तो पेपर इतना हार्ड नहीं आएगा, सिंपल आएगा, सिंपल भी नहीं कह सकते बट मीडियम आएगा। अगर जितना मैंने आप लोगों को बताया है उतना आप करके जाते हो हर एक टॉपिक से, 80% आपका कवर है। फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या करना है? देखो फुल मार्क्स स्कोर करने का बेटा एक ही तरीका है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, देखो एक चीज और होती है, क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन है तो होता क्या है यहाँ पर कि दो चीज होती है, दो कंडीशन होती है, या तो वो क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा आता है, लिटिल लिटिल थोड़ा थोड़ा सा आता है, या फिर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, दो ही कंडीशन हो सकती है क्वेश्चंस की, और तीसरी कंडीशन भी हो सकती है आपको फुल आता है, फुल वाली कंडीशन को छोड़ देते हो, जब आप लोगों को फुल आता है तो फिर उसको तो कुछ सोचना ही नहीं है, राइट। दो कंडीशन ले लेते हैं, एक कंडीशन थोड़ा थोड़ा आता है, एक कंडीशन बन जाती है बिल्कुल नहीं आता है, तो आप क्या करते हो कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है ना तो आप उस आंसर को छोड़ के चले जाते हो। ये बहुत बच्चों की आदत है, ये हमने भी किया है बचपन में जब हमने एग्जाम दिए थे, बहुत बच्चों की आदत होती है कि यार ये क्वेश्चन समझ में आ गया आंसर नहीं याद आ रहा, तो आप क्या करते हो उसको छोड़ के चले आते हो, गैप मार के चले आओगे, छोड़ा यार नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आता है तो थोड़ा लिख के चले आओगे। तो ये वाली जो कंडीशन है ना कि बिल्कुल ही छोड़ के आना, बेटा इसको तो भूल जाओ, एग्जाम में कभी भी कोई आंसर छोड़ के नहीं आना चाहिए। अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड इतना भी शब्द आता है ना, इतना सा भी एक शब्द भी आता है, आप उसको 10 शब्द में कन्वर्ट कर दो, लेकिन लिख के जरूर आओ, कभी भी आप अपना आंसर ब्लैंक मत छोड़िए, इससे एग्जामिनर के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट जाता है, अरे यार बच्चे ने बिल्कुल छोड़ दिया, क्या बच्चे के अंदर इतनी भी समझ नहीं है कि वो अपनी लैंग्वेज में लिख सके, इससे ना एग्जामिनर के ऊपर जाता है नेगेटिव इफेक्ट, इसकी क्या करता है फिर वो उसके अंदर नेगेटिव इमेज बन जाएगी, तो वो थोड़ा सा टफ मार्किंग करने लगेगा उस बच्चे के प्रति। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो ना तो कभी भी अपना आंसर चाहे आपको बिल्कुल नहीं आ रहा मत छोड़ के आओ, अगर उसके बारे में आप एक वर्ड भी जानते हो ना तो एक वर्ड को 20 वर्ड में आप डिस्क्राइब कर सकते हो, आपके पास दिमाग है, दिमाग कुछ भी कर सकता है। एग्जाम्पल क्या कर रहा है, आपके माइंड का टेस्ट ले रहा है ना भाई वहां पे बैठ के, राइट। तो अपने माइंड भी टेस्ट देके आओ ना, क्यों देके आ रहे हो बुक का टेस्ट? डायग्राम से डर लगता है भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा मिरिंडा, क्या नाम है आपका? जेनिया मिरिंडा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट बुक में किया है, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। लोगों को वही भी नहीं
क्या लोगों को वो भी नहीं आता 10 शब्द में कन्वर्ट करना। हाँ तो मैं कह तो रही हूँ ना कि अगर बच्चों को वो आंसर नहीं आता है तो वो क्या करते हैं, पूरा छोड़ देते हैं। वो यहाँ पर क्या करते हैं, पूरा छोड़ देते हैं, दे डोंट ट्राई, वो ट्राई भी नहीं करते बिल्कुल कि भाई मैं इस आंसर में थोड़ा सा माइंड लगा के अपनी तरफ से कुछ लिख दूं। लेकिन आपको यहाँ करना चाहिए, आपको अपना कभी आंसर नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे एग्जामिनर के ऊपर मैंने बताया नेगेटिव इफेक्ट जाता है, एग्जामिनर फिर आपकी टफ मार्किंग करने लगता है। एग्जामिनर पहले बता दिया मैंने माइंड का टेस्ट ले रहा है, ना कि आपकी बुक का टेस्ट ले रहा है। बुक का टेस्ट लेना होता तो स्कूल वाले भी ले सकते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम क्यों होते हैं। रिप्रोडक्शन का बताओ तो भाई, तभी तो बताओ तो रिप्रोडक्शन का बता तो दिए बेटा। लास्ट 3 डेज से मेरी क्लास चल रही है। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से 5 का बताया था, कल मैंने आप लोगों को 6 से 10 का बताया था, आज यहाँ पे 11 से 15 का बताया। कहाँ सो रहे हो, चेकिंग टफ होगा क्या? देखो कोई चेकिंग टफ नहीं होती है और कोई चेकिंग इजी नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन योर आंसर, इट डिपेंड्स ऑन योर आंसर। आंसर आपने सही लिखा है एग्जामिनर बिल्कुल सही कर देगा, थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है थोड़े से मार्क्स काट लेगा, लिख के ही नहीं आए हो तो मार्क्स ही नहीं देगा। तो कोई चेकिंग टफ या सिंपल नहीं होती है, इट डिपेंड्स ऑन योर आंसर कि आप किस वे में लिख के आए हो, किस तरीके से लिख के आए हो। कोई चेकिंग टफ या नहीं होती, चेकिंग सब नॉर्मल होती है, ये सिर्फ हमारे सोचने का तरीका है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इससे काफी हेल्प मिली होगी। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को अपना रिवाइज कीजिए चीजों को और अच्छे से एग्जाम करके आइएगा। मेरी तरफ से गुड लक, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स कल के एग्जाम के लिए। ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 मार्क्स आल्सो। अच्छा गायत्री बेटा, अगर आप 4 मार्क्स का आंसर लिख रही हो ना, तो 4 मार्क्स के आंसर में एटलीस्ट आपकी 6 लाइंस होनी चाहिए। 6 लाइंस या 6 पॉइंट्स बात करूं मैं, 6 लाइंस या 6 पॉइंट्स। अगर आप 3 मार्क्स की बात कर रहे हो तो 5 लाइंस, तो 5 लाइंस या पॉइंट्स में आपका आंसर होना चाहिए, ये होता है। अगर 4 मार्क्स का आंसर आप लिख रहे हो तो 6 पॉइंट्स या 6 लाइंस में लिखिए, अगर 3 मार्क्स का आंसर आप लिख रहे हो तो एटलीस्ट 5 लाइंस या 5 पॉइंट्स में करके आइए कम से कम। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एक पॉइंट गलत भी हो जाता है तो दूसरा तो सही होगा ना। एग्जामिनर को एक बैकअप, ओके ना, बैकअप लेके चलो, तो बैकअप देके आओ ताकि एग्जाम में गलती ना कर पाए। ओके चलिए अब सेशन फिनिश करते हैं। आई होप आप सब लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा जितनी भी चीजें हैं। बाकी आपके एग्जाम के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से रिवाइज करके जाइए पूरा, आपने जो भी चीज बताई है और जो भी हमने बताया है आपके इंपॉर्टेंट सेशंस और क्वेश्चंस में, उसका 80% आप पूरा करके, आप पूरा करके जाइए, 80% आपका फिक्स्ड है। दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। इतना श्योर होके बता रही हूँ तो भाई ठीक है, विश्वास करो। 20% क्या है, जो आपका माइंड सेट है कि आप कैसे करके आ रहे हो, कैसे लिख के आ रहे हो। ओके स्टूडेंट, चलिए बाय बाय, गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जाम।